हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर, हम किसी दूसरे मोबाइल का जो है पैटर्न लॉक या पिन लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक कैसे तोड़ेंगे। तो दोस्तों, उन्हीं सारे लोगों के प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं, जिस वीडियो को देखने के बाद जो है आप किसी भी मोबाइल का पैटर्न लॉक, पिन लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक जो है आसानी से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपके सामने दो मोबाइल रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम इस मोबाइल से जो है, इस मोबाइल का जो है पैटर्न लॉक, पिन लॉक आपको तोड़ के दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस मोबाइल में जो है यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको इस मोबाइल से इस मोबाइल का जो है पैटर्न लॉक तोड़ के दिखाएंगे। तो चलिए, इस मोबाइल को जो है यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं, आपके सामने में ही इस मोबाइल को यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। तो पूरी तरह से लॉक हो गया, आप देख सकते हैं, इसको हम लॉक कर दिए। अब चलिए दोस्तों, हम इस मोबाइल से इस मोबाइल का जो है पैटर्न लॉक तोड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, किसी भी मोबाइल का पैटर्न लॉक या पिन लॉक तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को या फायरफॉक्स ब्राउजर को जो है ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल में फायरफॉक्स ब्राउजर को ही ओपन करते हैं और फायरफॉक्स ब्राउजर से ही आपको तोड़ कर दिखाते हैं कि कैसे टूटता है। तो यहाँ पे हम फायरफॉक्स ब्राउजर जो है ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पेज जो है सेलेक्ट कर लेना है। न्यू पेज सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें लिखना है फाइंड माई मोबाइल, ठीक है। जब आप फाइंड माई मोबाइल लिखकर सर्च कीजिएगा तो आपके सामने जो है इसका जो है एक नया वेबसाइट जो है खुलेगा। चलिए डाटा चालू कर देते हैं और सर्च कर देते हैं। तो इस तरह से आपके सामने जो है बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, फाइंड माई डिवाइस गूगल है, इस पे जो है आपको टच करना है। चलिए यहाँ पे फाइंड माई डिवाइस गूगल पे जो है टच करते हैं। जब उस पे टच कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का जो है एक नया वेबसाइट जो है मिल जाएगा, इस वेबसाइट का नया इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस मोबाइल का जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो आपको इसमें डालना है। तो चलिए, यहाँ पे हम ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है इस मोबाइल का इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल दिए। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे जो है टच करते हैं। जब नेक्स्ट पे टच कीजिएगा तो इस वेबसाइट का जो है अगला इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे अब आपको जो है यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो चलिए, यहाँ पे हम पासवर्ड जो है फटाफट डाल देते हैं और फिर से नेक्स्ट पे टच कर देंगे। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल दिए, अब नेक्स्ट पे टच करते हैं। नेक्स्ट पे टच करने के बाद दोस्तों, आपके सामने जो है इस वेबसाइट का फिर से जो है अगला इंटरफेस खुलेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे इनेबल सिक्योर इरेज है इस पे आपको टच करना है। जब आप इस पे टच कीजिएगा तो यहाँ पे जो है कुछ प्रक्रिया कनेक्टिंग लेगा, और कनेक्टिंग लेने के बाद इस डिवाइस का जो है यहाँ पे पासवर्ड जो है, पिन लॉक का पैटर्न लॉक जो है आसानी से टूट जाएगा। और टूटने के बाद जो है जब आप इस मोबाइल को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस मोबाइल का जो है पैटर्न और पिन लॉक जो है टूट चुका होगा और फिर ये जो मोबाइल है आसानी से जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इरेज कर दिए, देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंड। अब देखिए, यहाँ पे इस मोबाइल को जो है हम ऑन करके आपको दिखाते हैं, इस मोबाइल का जो है सब कुछ टूट चुका होगा। तो चलिए, इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज जो सेंड हुआ है, यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है इस मोबाइल में। अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है ये मोबाइल जो है ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये मोबाइल स्टार्ट हो गया है। और स्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा तो इस मोबाइल में कोई भी जो है यहाँ पे पैटर्न लॉक और पिन लॉक नहीं लगा होगा। फिर आप जो है यहाँ पे आसानी से इस मोबाइल को जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऑन होने देते हैं और यहाँ पे बैक आ जाते हैं। जब ये मोबाइल ऑन हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, इसमें अपना ई मेल आई डी और पासवर्ड डाल देना है, जो ई मेल आई डी पासवर्ड इसमें पहले से डाले हुए हैं। तो डालने के बाद जो है ये मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे ऑन होने देते हैं और इस मोबाइल को साइड में रखते हैं और देखते हैं थोड़ा इसमें क्या क्या होता है। बहुत पुराना मोबाइल है, J2 है सैमसंग का। तो ये मोबाइल जो है ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है ऑन होने में। तो यहाँ पे थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नया तरीका से जो है यहाँ पर ऑन हो रहा है। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट करते हैं और ये देखिए, ये मोबाइल जो है जैसे नया में ख़रीद कर लाते हैं और यहाँ पे जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर जैसे खोलते हैं नया में, वैसे ही अब आपको जो है यहाँ पे खोलना है। तो यहाँ पे वाईफाई स्कैनिंग लेगा, वाईफाई ऑन कर दिए इस मोबाइल का।
और वाईफाई देने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, उसके बाद जो ये मोबाइल नया तरीका से जो है ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी मोबाइल का जो है पैटर्न लॉक पिन लॉक जो है तोड़ सकते हैं किसी दूसरे मोबाइल से। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसका पासवर्ड क्या है देख लेते हैं एक मिनट। ये देखिए कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे टच करेंगे, नेक्स्ट पे टच करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे टच करेंगे और यहाँ पे एग्री कर देंगे, डन एग्री। ये चेकिंग कनेक्शन ले रहा है और चेकिंग कनेक्शन लेने के बाद जो है हम आसानी से इसको खोल पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे वही ईमेल आईडी डालना है जो इस मोबाइल में पहले से डाला हुआ था, तो यहाँ पे हम साइड में लाकर ईमेल आईडी डाल देते हैं और पासवर्ड डालकर आपको नेक्स्ट करके इस मोबाइल को ऑन करके दिखाते हैं। चलिए इसको डोंट रीस्टोर करते हैं, सेट स्क्रीन लॉक नाउ, स्किप कर देते हैं इसको और यहाँ पे स्किप एनीवे कर देते हैं, मोर 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 नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेगा और ये देखिए ये मोबाइल जो है इस तरह से आपका खुल जाएगा। स्किप कर देते हैं इसको, प्रोग्रेस ले रहा है और ये देखिए दोस्तों फिनिश। अब दोस्तों देख सकते हैं ये जो मोबाइल है पूरी तरह से ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ना तो इसमें पिन लॉक है और ना ही इसमें पैटर्न लॉक है। आप देख सकते हैं आसानी से जो है आप इसको चला सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप बिना टच किए किसी भी दूसरे मोबाइल का जो है पिन और पैटर्न लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक जो है तोड़ सकते हैं, सब लॉक जो है तोड़ सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ एक मोबाइल का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप किसी भी मोबाइल का लॉक जो है बिना टच किए बिना उसको छुए जो है तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि हम किसी भी मोबाइल का पिन या पैटर्न लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक जो है बिना उसको टच किए कैसे तोड़ेंगे।